नमस्कार दोस्तों, ये सवाल किया हुआ है, पूरा वीडियो को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 डिसमिल में कितना कितना लंबाई चौड़ाई होगा, ये कई जगह सवाल किया हुआ है दोस्तों। 1 डिसमिल का पहले देखेंगे, इसके बाद 2 का, इसके बाद 3 का, इसके बाद 4 का देखेंगे। 1 डिसमिल का ये प्लाट है दोस्तों, ये 33 फीट लंबाई और 13.2 फीट चौड़ाई होगा। और कड़ी में, जरीब से जानने वालों के लिए, 20 कड़ी चौड़ाई और 50 कड़ी लंबाई होगा। 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट और इसके बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। यदि कड़ी से डायरेक्ट फीट में बदलना चाहेंगे तो 1 कड़ी बराबर 0.66 फीट होता है, इससे गुणा कर लीजिएगा दोस्तों। और 2 डिसमिल, ये 40 कड़ी चौड़ाई 50 कड़ी लंबाई होता है। 50 कड़ी बराबर 33 फीट और 40 कड़ी बराबर 26.4 फीट, जिसकी चौड़ाई 26.4 फीट और 33 फीट लंबाई। 33 × 26.4 बराबर 871.8 वर्ग फीट, यहाँ लिख दिया गया है। 33 × 26.4 बराबर 871.2 वर्ग फीट या 2000 वर्ग कड़ी होता है दोस्तों। और देख लीजिए तीसरा, तीसरा यानी कि 3 डिसमिल का प्लाट, 60 कड़ी लंबाई और 50 कड़ी चौड़ाई। 50 कड़ी बराबर 33 फीट और 60 कड़ी बराबर 39.6 फीट, 39.6 फीट। 39.6 × 33 बराबर 1306.8 वर्ग फीट, वर्ग फीट होगा। और इसके बराबर वर्ग कड़ी में 60 × 50, 60 × 50 यानी कि 3000 वर्ग कड़ी। इस तरह से आसानी से जान सकते हैं इतना होता है 3 डिसमिल। और 4 डिसमिल का देख लीजिए, 50 कड़ी चौड़ाई और 80 कड़ी लंबाई। 80 कड़ी बराबर 52.8 फीट इसकी लंबाई और 33 फीट चौड़ाई दोस्तों, इस तरह से। और इसके बराबर 5 डिसमिल बराबर, लिख लीजिए 5 डिसमिल बराबर 1742.4 वर्ग फीट, इतना वर्ग फीट होगा। और कड़ी में तो जानते हैं ये सीधे 4000 वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी होगा। इस तरह से इजी तरीका से जान सकते हैं। और ये देख लीजिए 5 डिसमिल का प्लाट, 100 कड़ी चौड़ाई, सॉरी 50 कड़ी चौड़ाई और 100 कड़ी लंबाई, यानी कि 100 × 50 बराबर 5000 वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी। 33 फीट, 33 फीट चौड़ाई और 100 कड़ी बराबर 66 फीट होता है, हमारे इस वीडियो में बताया गया है, इस चैनल में ये इतना होता है दोस्तों। 66 × 33 बराबर 2178 वर्ग फीट, इस तरह से दोस्तों आसानी से जान सकते हैं। यदि इतना बड़ा प्लाट आपके पास है तो लंबाई चौड़ाई इसी तरह से होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।